हेलो नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप चैनल को हाफ मोनेटाइजेशन इजीली कर सकते हैं और कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है। सेकंड स्टेप में आपको एरर वगैरह आपको देने के लिए मिल जाता है और कैसे आप सही तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं एकदम इजी तरीके से। हाफ मोनेटाइजेशन करने के लिए आपको 500 सब्सक्राइब चाहिए और 3 घंटे का वॉच टाइम चाहिए और आपके 3 वीडियो अपलोड होनी चाहिए अपने चैनल पर, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। या तो आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको 500 सब्सक्राइबर और आपको 3 मिलियन व्यूज वगैरह चाहिए, तब आप अपने चैनल को हाफ मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। इसमें आपको मेंबरशिप, शॉपिंग्स और सुपर्स का ऑप्शन मिल जाता है। मैं अपने मॉल की स्क्रीन आपको शेयर करके बताता हूँ कैसे आपको हाफ मोनेटाइजेशन करना है। तो उससे पहले आप इस वीडियो करते हैं लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लें प्रेस और हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे आप मॉल की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने वाइट स्टूडियो ओपन कर रखा है ऐप और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अप्लाई का बटन आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर का ऑप्शन आ चुका है, सुपर्स का और शॉपिंग का, ये 3 ऑप्शन मेरे इनेबल होने वाले हैं तो मैं मोनेटाइजेशन करने वाला हूँ। हम यहाँ देख सकते हैं मेरे 831 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 3638 का मेरा वॉच टाइम यहाँ पे हो चुका है। कभी भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करें ना तो आपको गूगल क्रोम से करना, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम कर लेना ओपन और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च कर लेना है और यूट्यूब सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इसको 3 डॉट पे करना है क्लिक। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको आपको डेस्कटॉप साइड पे कर देना। तो यहाँ पे आपको साइड में कॉर्नर में आपका यूट्यूब चैनल का लोगो होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको व्यू योर चैनल पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका चैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको माई चैनल पर करना है क्लिक। तो ये आपका वाइट स्टूडियो ओपन हो जाएगा क्रोम साइड पर। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मेरा वाइट स्टूडियो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मैं अर्न वाले ऑप्शन पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ से आपको अप्लाई बटन पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे दोस्तों मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं स्क्रीन लेकर आपको आया हूँ जिसपे आपको बड़ा बड़ा दिख सके और अच्छी तरह से मैं इस पर समझा पाऊँ आपको। इस काम को आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है आप उससे भी आप इजीली कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने चैनल को हाफ मोनेटाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई बटन पे करता हूँ क्लिक। अप्लाई बटन पे क्लिक करने बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं फर्स्ट स्टेप पे करता हूँ क्लिक, स्टार्ट पे कर देता हूँ क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको टिक करके आपको यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स पे कर देना है क्लिक। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर हो जाएगा डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो चुका है डन। जो आपको सेकंड स्टेप है ना इस पे यहाँ पे आपको स्टार्ट पे करना है क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है अगर आपके पास पहले से एडिसन से अकाउंट है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, अगर आपका एडिसन से अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। और आपको पता ही नहीं है मतलब कि आपका आपने अकाउंट बनाया है नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे आई डू नॉट नाउ पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पे मैं नो आई डू नॉट हैव एन अकाउंट इस पे मैं करता हूँ क्लिक। इस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी जिससे आप अपने एडसेंस का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा है ना, कंट्री और टेरेटरी होती है एक चीज होती है, यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है आप किस कंट्री से है। यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आई हैव यहाँ पे टिक कर देना, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है मतलब कि इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको सेटअप अकाउंट पे कर देना क्लिक। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रखना है, अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे एडसेंस पे तो यहाँ पे इसको इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पे आपको इसको इंडिविजुअल पे कर लेना है क्लिक। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना है, यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल नाम है ना, जो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड में जो आपका नाम है, और नीचे आपको अपना एड्रेस दे देना है जो भी आपका एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है। और यहाँ पे आपको अपनी सिटी लिख लेनी है, जो भी आपका गांव है या सिटी है ना जो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जो पोस्ट कोड यहाँ पे लिख देना है, जो पिन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको ना स्टेट वगैरह लिख देना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को फिलअप कर लेता हूँ, आगे चीज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब चीज यहाँ पे फिलअप कर ली है, मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ऐसा आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पर आपको रीडायरेक्टिंग यूट्यूब पे कर देना क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है और सेकंड स्टेप यहाँ पे मेरा डन हो चुका है और दूसरा मेरा चला गया है इन प्रोसेसिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप मेरा इन प्रोसेसिंग में यहाँ पर चला गया है। दोस्तों फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल हो चुका है मोनेटाइज, जो छठा स्टेप था वो हमारा हो चुका है डन, एकदम कम्प्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जितनी भी सारी वीडियो इन सबको आपको कैसे मोनेटाइज करना है, सभी मोनेटाइजेशन इनेबल करना है और जो मोनेटाइजेशन के फ्यूचर होते हैं इनको भी आपको इनेबल करना होता है। जैसे हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का मेरे यहाँ पे मैसेज आया, देख सकते हैं यहाँ पर है ना, तो मैं लेट्स गो पे कर देता हूँ क्लिक।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंबरशिप का ऑप्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसको ऊपर करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मेंबरशिप में सेटअप योर मेंबरशिप ऑफर। यहाँ पे स्टार्ट में मैं करता हूँ क्लिक। इस पे एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन लेवल मिल जाते हैं। पहला लेवल मिल जाता है, सेकंड लेवल मिल जाता है, और यहाँ पे थर्ड लेवल आपको मिल जाता है। यहाँ पे इस पर एड पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ मैं फर्स्ट लेवल का यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ सिल्वर। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे लिखने के बाद इसके यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह सेट कर सकता हूँ, है ना। प्राइसिंग सेट होने इसके यहाँ पे मैं कंट्री वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे इंडिया रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं डन पे कर देता हूँ क्लिक। फिर यहाँ पे मैं दूसरी लेवल पे यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में करता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ गोल्ड। यहाँ पर मैंने कर दिया गोल्ड मेंबरशिप है ये मेरी सेकंड वाली है ना। तो इसके यहाँ प्राइसिंग वगैरह सेट कर सकते हैं आप, है ना। और ये फीचर मिल जाने वाले जो हमारे इस मेंबरशिप को लेगा ना उसको यहाँ पे ये चार ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद जो हमारी थर्ड मेंबरशिप है ना इसको मैं एडिट पे करता हूँ क्लिक। और इसको मैं कर देता हूँ डायमंड। तो यहाँ पे मैंने डायमंड यहाँ पे लिख दिया। डायमंड मेंबरशिप है ये हमारी थर्ड वाली मेंबरशिप है। इसका यहाँ मैं प्राइस वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 600 रुपये। पर जो मेंबरशिप लेगा ना उनको यहाँ पे दो फीचर यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ मैं डन पे कर देता हूँ क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इस पे कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना। ये जो आपने सिर्फ सेटअप करा ना ये आएगा रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ मैं सबमिट फॉर रिव्यू पर कर देता हूँ क्लिक। पे टिक कर देता हूँ या सबमिट पर कर देता हूँ मैं क्लिक। यहाँ पे मेरा 24 घंटे के अंदर ये अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा इन रिव्यू में चला गया है ना। ये रिव्यू वगैरह होकर फिर 24 घंटे बाद मेरा ये अप्रूव्ड हो जाएगा। सुपर्स वाले ऑप्शन यहाँ पर जाता हूँ। इसको यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं सुपर चैट को इनेबल कर देता हूँ, सुपर स्टिकर को इनेबल कर देता हूँ और सुपर थैंक्स को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं तीनों इनेबल यहाँ पर कर दिए हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला वाला जो स्टेप है वो हो चुका है अप्रूव्ड। अब हम यहाँ पे सेकंड वाले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ मैं सेकंड वाले पे जाता हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज डिफॉल्ट पर्क्स, इस पे मैं स्टार्ट पे करता हूँ क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे न्यू मेंबर और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि कोई अगर आपको कोई नया मेंबर है तो उसके लिए आप इमेज सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये हमारा न्यू मेंबर है। इस इमेज का यहाँ पे साइज देते हैं 32x32 पिक्सल का साइज है ना। और यहाँ पे 1 MB का आपको होना चाहिए। इमेज का रेशियो होना चाहिए 1:1 रेशियो होना चाहिए। और आप यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करके आप कोई सी भी यहाँ पे इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका उससे आपको ये पता पड़ेगा ये न्यू मेंबर है या 1 month पहले का है या 1 month या 2 month का, 6 month का है, आपको ये पता पड़ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे नहीं तो यहाँ पर आपको बने बनाए यहाँ पे मिल जाते हैं। इससे आपको जो ब्लू स्टार से आपको पता पड़ेगा कि न्यू मेंबर है ना स्टार है ना, इससे आपको पता पड़ जाएगा ये 1 month पुराना हमारा मेंबर है। इससे आपको ये पता पड़ जाएगी जैसे रेड वाला है तो 36 month पहले का है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। फिर यहाँ पर आपको इमोजी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इमोजी अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप इमोजी का नाम दे सकते हैं। आप इन इमोजी को यहाँ पर कैनवा वेबसाइट से ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल पे आता हूँ और इमोजी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। इमोजी सर्च करने के बाद यहाँ पर हम एक इमोजी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। यहाँ सेलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इमोजी का यहाँ पे नाम दे दिया है। यहाँ पे मैं इमोजी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने इमोजी का यहाँ पर नाम लिख दिया, फास्ट यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर आप इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। ऑप्शनल यहाँ पे फ्यूचर से दे रखे हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव पे कर देता हूँ क्लिक। सेव पे क्लिक करने वाला ये ऑप्शन ही मैं यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मेरा ऑप्शन यहाँ पे डन हो चुका है और हम यहाँ पे चलते हैं अब थर्ड वाले ऑप्शन पे। यहाँ अनाउंस योर मेंबरशिप मैं स्टार्ट पे करता हूँ क्लिक। अनाउंस के मतलब जैसे कि आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, टेल एवरीवन अबाउट योर मेंबरशिप। आप अपनी मेंबरशिप को कैसे बताना चाहते हैं कि मैंने मेंबरशिप चालू कर दी है। तो यहाँ पर आप अनाउंसमेंट मेंबरशिप विद आप वीडियो से आप बता सकते हैं, लिस्ट में सेलेक्ट करके उससे आप बता सकते हैं। मेंशन मेंबरशिप इन योर वीडियो आर लाइव स्ट्रीम ऐसे बता सकते हैं। प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया से आप सोशल मीडिया से बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डन पे कर देता हूँ क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे ये वाला स्टेप यहाँ पे मेरा डन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट टू वेलकम न्यू मेंबर पे यहाँ स्टार्ट पे मैं करता हूँ क्लिक। कोई मेंबरशिप ज्वाइन करता तो उसको पोस्ट कौन सी दिखनी चाहिए। क्रिएट अ पोस्ट पे मैं करता हूँ क्लिक। मेरा कोई मेंबर आएगा तो उसको पोस्ट दिखाई देगी। यहाँ मैं टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। लिखने के बाद यहाँ मैं पोस्ट पे कर देता हूँ
क्लिक। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी पोस्ट यहाँ पे कर दी है ना, ये खाली मेरे जो मेंबर्स है ना उनको ही दी गई यहाँ पर, और किसी को नहीं दी गई है। तो हमारे यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं। इनेबल होने के बाद यहाँ पर हम जिस यहाँ पे 100% यहाँ पे हो चुका है ये, तो इसको यहाँ पे मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन दोबारा से यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो मेंबर्स का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे मेरा इनेबल हो जाएगा। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कितने डॉलर बने 30 दिन के अंदर, टोटल डॉलर कितने बने हैं, और मेंबर्स ज्वाइंट कितने हुए हैं, और यहाँ पे कैंसलेशन कितनी हुई है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल मेंबर, एक्टिव मेंबर कितने हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली तरीके से। अब मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल पर, है ना। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको ज्वाइन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ज्वाइन का बटन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ ज्वाइन वाले बटन में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ई के नाम से 29 रुपये है ना ज्वाइन कर सकता हूँ मेंबरशिप अपनी, है ना। और जी मेरा जो इमोजी था वो यहाँ पर लग चुका है। ये गोल्ड मेंबरशिप है, ये डायमंड मेंबरशिप है, इसके अलग अलग फीचर्स वगैरह है ना, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी मेंबरशिप को आप ले सकते हैं।